आ लिया है कि इस वक्त जो एक कमीशन का कयाम है इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, बिकॉज जो कंसल्टेशन प्रोसेस था उसमें चीफ जस्टिस साहब को शामिल नहीं किया गया, हुकूमत ने खुद जुडिशियल कमीशन बना दिया, उसमें जो सिलेक्शन थी वो भी उन्होंने खुद की, फिर वो किस किस्म के टीओआर हैं ये भी हुकूमत ने बनाए, इसके अंदर भी कोई वो नहीं था, कंसल्टेशन नहीं थी, जो एक बड़ा अहम टीओआर की भाई ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है, बाकी उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो दिलवाई कि इसको भी ऐड कर लें, वो भी ऐड नहीं किया गया। सो जब इतना कॉन्ट्रोवर्शियल इस जुडिशियल कमीशन का कयाम होगा तो उसकी फाइंडिंग्स पे फिर तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे। कि देखें, कंट्रोवर्शियल तो अभी बात है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको सस्पेंड भी कर दिया उस नोटिफिकेशन को, वो अभी मामला सब जुटिस है कि क्या है, पता नहीं आगे चल के क्या होता है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी निशानदेही जनाब जुबैरी साहब ने भी की है कि जिस दिन ये ऑडियो लीक्स हुई हमने उसी दिन ये फौरी तौर पे एक मामले को टेकअप किया और मुतालबा किया हमने हुकूमत वक्त से भी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसमें एक ऑनरेबल जज साहब हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आप तहकीकात करवाएं और कम अज कम अगर तो गलत है जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो अगर सही है तो फिर कानून के मुताबिक जो भी सूरत हाल बनती है वो करें। लेकिन हमारी बात पे कान नहीं धरा गया, नहीं कि ना हुकूमत ने धरा और ना ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। फिर हमने कोई अनजाने में कोई फैसला नहीं किया या सिंगल आउट करके हमने फैसला नहीं किया, हमने तमाम पाकिस्तान की जो बार काउंसिल्स हैं, लीडरशिप है, उस सबको बुलाया और कलेक्टिव विजडम के तहत हमने एक फैसला किया कलेक्टिवली कि हम अब उन मुअज्जज जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल करेंगे आर्टिकल 209 के तहत, जो कि वाहिद वही एक प्रोविजन है किसी जज साहब के मिसकंडक्ट के हवाले से एक्शन देने के हवाले। तो उसमें भी अगर वो रेफरेंस पढ़ा जाए तो उसमें भी ये बात बड़ी वाजे है कि हमने ये कहा है कि अगर ये पहले तो थ्रैश आउट किया जाए कि ये किसने लीक की है, नंबर वन। नंबर टू, अगर ये चीज साबित होती है कि ये जैली है तो फिर उस बंदे के खिलाफ या उन इदारे के खिलाफ या उन अशखास के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर ये साबित होता है कि नहीं जनाब ये ठीक है तो फिर कानून के मुताबिक। लेकिन पाशा साहब, जो ये जुडिशियल कमीशन बना है सर, ये तरीकेकार ठीक है? मुशावरत के बगैर हुकूमत बना सकती है? आपको लगता है कि उनको वापस लेना पड़ेगा नोटिफिकेशन इसके बाद, क्योंकि कानूनी तकाजे, प्रोसीजरल तकाजे पूरे नहीं हुए? अब इसकी मैं एक बात करता हूँ कि ये जो कमीशन बना गया है ये एक बाकायदा कानून है, वो है पाकिस्तान कमीशन फॉर द इंक्वायरी एक्ट 2017, जिसके तहत सेक्शन 3 के तहत ये हुकूमत पाकिस्तान को प्रेरोगेटिव है कि वो एक कमीशन फॉर इंक्वायरी जो है वो बना सकती है। सर, चीफ जस्टिस के मुशावरत के बगैर बना सकती है? बिकॉज ये तो जवाब देना है। अब मेरी अरज तो सुने ना, वो जुबैरी साहब भी जवाब दे देंगे, मेरी अरज सुने, मैं जो बात कर रहा हूँ उस एक्ट के तहत सेक्शन 3 के तहत ये बना सकती है। अब बात आती है एक क्वेश्चन आपका कि क्या चीफ जस्टिस साहब की मर्जी के बगैर बनाया जा सकता है? ठीक है, अब उसमें कोई ये शिक नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब की मर्जी जरूरी है। जो दो मेम्बरान हैं, एक चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, दूसरे चीफ जस्टिस साहब हैं वो उधर उसके अपना ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो ये तो इंडिपेंडेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आते, वो खुद उन्होंने इस चीज को तस्लीम करते हुए पहली हियरिंग पे हाजिर हो गए। अब रह गए बात मिस्टर जस्टिस काजी फाइज साहब की, जी, जो हुकूमती है, मैं अब हुकूमत की तर्जमानी नहीं कर रहा बिकॉज आई एम नॉट गवर्नमेंट। ठीक बात है। जो हुकूमती जो जोमा है वो ये फरमा रहे हैं कि हमने चीफ जस्टिस साहब को इसलिए ऑन बोर्ड नहीं लिया कि इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते थे कि कल इन पे कोई हरफ ना आए कि इनकी कुछ रिश्तेदार खवातीन, मुअज्जज खवातीन, उनके नाम आ रहे थे और टीओआर में उनकी ऑडियो लीक का भी जिक्र है। तो रह गए सीनियर क्यों नहीं जाए, तो हमने उनको डायरेक्टली बना दिया। और सर चले, टीओआर के हवाले से भी मुशावरत मुनासिब नहीं समझी, बिकॉज अगर टीओआर जब बने, हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम में अपने तौर पर, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ कि हमने ये कहा कि टीओआर में एक चीज लाजमी होनी चाहिए थी जो कि मिसिंग है, और वो ये है कि इसमें ये होना चाहिए था कि जिन्होंने बनाई है पहले उनको भी आप सामने लेके आए, तहकीक करें कि किन्होंने बनाई है। पहले होते थे सिर्फ इदारे जो है वो बनाते थे, अब
ये आईटी इतनी एडवांस हो गई है कि हैकर अमेरिका में बैठ के यहाँ की चीजों को हैक कर रहे हैं। तो सर आपकी तजवीज पे सर गौर क्यों नहीं किया हो, क्योंकि ये बड़ी बड़ी मुनासिब तजवीज है, लेकिन इसको शामिल फिर भी नहीं किया गया। हमने तो ये कहा है और टाइम एंड अगेन हमने ये कहा है कि ये GOR का हिस्सा होना चाहिए। कम अज कम देखिए बात ये है कि आप जुबैरी साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, बार के प्रेसिडेंट है, देखिए बड़े अहम पोजीशन पे है। इनकी एक ऑडियो लीक हुई है और ऑडियो लीक हुई है अपने क्लाइंट के साथ। वकील को इम्यूनिटी हासिल है कि वो अपने क्लाइंट के साथ कोई भी बात करना चाहे कर सकता है उसको, लेकिन जब इसमें कुछ जजेस के नाम आए और कुछ फिक्सेशन ऑफ केस के बारे में बात हुई तो फिर हम ये चाहते हैं कि अगर, और जुबैरी साहब भी यकीनन ये चाहेंगे कि इस चीज को क्लियर होना चाहिए। लेकिन पाशा साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, ये दो मुख्तलिफ मामला है। एक मामला है कि सर उस जुडिशियल कमीशन की तश्कील और एक उसके TORs। तश्कील के ऊपर चले आपकी बात मान लेते हैं कि जी उन लोगों को चुना गया ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना है। सर TORs के ऊपर ये बड़े ही प्रॉब्लमेटिक TORs हैं। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप लोग भी मानेंगे क्या, क्योंकि जब यही नहीं पता होगा कि कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है। जो बेसिक TOR है नंबर 1 होना चाहिए था वो मिसिंग है, वो तो मैं जिस दिन पहले दिन आया मैंने बात की है। ठीक है।